सुप्रीम कोर्ट रे विरोधी को छटका सीबीआई ईडी प्रसंग मोदी सरकार को विरोध रे सुप्रीम कोर्ट जाईथिबा 14 दल निराश केंद्र सरकार निज क्षमतार दुरुपयोग करी केंद्रीय अनुसंधानकारी एजेंसी रो अपव्यवहार करूथिबा नै सुप्रीम कोर्ट रे होईथिबा मामला खारज हो जाईछि। ए मामलार विचार पाई आज सर्वोच्च न्यायालय मना कर दिछंती। कोन थिला मामला केंद्रीय तदंत संस्था को करा जाउछि अपव्यवहार की 14 टी विरोधी दल पक्ष होईथिला मिलित भाबे अभियोग। कांग्रेस आरजेडी डीएमके टीएमसी आप बीआरएस एवं अन्य दल करथिले अभियोग। विरोधी दल पक्षरु वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी करथिले पिटीशन दाखल। कांग्रेस एवं विरोधी को अभियोग केन्द्र रे मोदी सरकार केन्द्रीय तदंत संस्था सीबीआई एवं ईडी को अपव्यवहार करी राजनैतिक प्रतिद्वंदी को हैरान करा जाउथिबा 14 टी विरोधी दल पक्षरु मिलित भाबे अभियोग करा जाइथिला। विरोधी दल पक्षरु वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष पिटीशन दाखल कर 2014 पर प्रधानमंत्री मोदी क्षमता को आसवा पर सीबीआई एवं ईडी को उद्देश्यमूलक भाव विरोधी पक्ष व्यवहार कर अल्टीमेटली डिड नॉट एंटरटेन इट बट डिड नॉट एक्सप्रेस ए सिंगल ओपिनियन ऑन द मेरिट्स दे अलाउड द मैटर टू बी विथड्रॉन दे रिकॉर्डेड दैट इट्स एट दिस स्टेज व्हिच मींस दैट फुल लिबर्टी इज देयर फॉर अस टू कम अगेन ऑन न्यू फैसेट्स न्यू ग्राउंड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स were felt to be too broad by the court at this stage. They involved a allegation of non-level, uneven playing field because 95% of all cases involve opposition leaders as far as the political sphere is concerned. That, according to us, skews democracy, makes democracy one-sided and lopsided, and in that in turn affects negatively basic structure. Therefore, we asked for two sets of guidelines. One, before arrest. Why should you arrest at all? If so, only if the person is a likely flight risk or interfering with evidence, etc., etc. गत 7 वर्ष मध्यरे 6 गुणा अधिक मामला पंजीकृत होईछि किंतु दोषी सब्यस्त मात्र 23% रहिछि। एथिसो से कहिछन्ति जे 95% ईडी एवं सीबीआई मामला देशर विभिन्न विरोधी दल नेतांको विरुद्धरे पंजीकृत होईछि राजनीतिक उद्देश्य रे पक्षपातिता करा जाउछि। तबे ई मामला को आज कोर्ट खारज कर दिछन्ति। सूचना अनुसार केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई एवं ईडी रो अपव्यवहार हेतुवा अभियोग करी कांग्रेस आरजेडी डीएमके टीएमसी आप बीआरएस एवं अन्य दल मानक स मोट 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले। विरोधी दल नेता मानक विरोध रे आपराधिक मामलार कार्यानुष्ठान बढ़ुथिबारु एने से माने सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। आवेदनकारी दर्शाइछंती उक्त तदंतकारी संस्था गुडीक निर्दिष्ट भाबे किछि नेतांको ही टार्गेट करुछंती। गिरफ रिमांड एवं जमीन प्रसंगरे कोर्ट स्वतंत्र नियमावली आणंतु बोली विरोधी दल नेता माने दाबी करथिले। कोर्ट को फैसला विरोधी निराश। सुप्रीम कोर्ट रे विरोधी दल मानन को सख्त झटका लागिछि। केंद्र सरकार केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई एवं ईडी रे अपव्यवहार करथिबा अभियोग करी 14 टी विरोधी दल सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले किंतु कोर्ट एही आवेदन रो सुनानी करबा को मना कर दिछंती एवं आवेदन को खारज करिछंती। एक निर्दिष्ट मामलार उदाहरण देबा को कोर्ट आवेदनकारी के कहिछंती। कोर्ट कहिछंती केवल राजनेता मानंकर किछि रणनीति पाई आमे माने निर्देशावली जारी करिबो नाही। सेपटे कोर्ट को फैसला परे बीजेपी प्रेस मीट करी विरोधी को ऊपर बरसिछि। बीजेपी कहिछि केंद्रीय जांच एजेंसी सेमानक कार्य ठीक भाबरे संपादन करिछंती। कोर्ट को राय परे या स्पष्ट होई जाइछि। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये 14 दल गए जिसमें प्रमुखता से कौन कौन है ये मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की जननी जिसने इस देश को दशकों से लूटा है वो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, 3 सदस्य एक परिवार के जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है वो। दूसरा, जमीन दो नौकरी लो, जानवरों का चारा खा जाते हैं लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, गुलाबी गड्डियों में जिनके मंत्री पाए जाते हैं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले और जिनके पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान पाए गए और बेल नहीं मिल रही है, और दूसरे मंत्री करीब करीब 10 महीने से जेल में है उनको भी बेल नहीं मिली, वो पापी आप, बीआरएस के कविता का भ्रष्टाचार पूछताछ में हमने देखा किस तरह से घबरा रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम ना करे, और उनके साथ
एनसीपी, डीएमके, उद्धव पार्टी, जेएमएम, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआई, 14 दल। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस न्यूज़।